हेलो गाइस, मैं हूं अर्णव और आपका स्वागत है मेरे फ्लटर ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना फ्लटर का अपना पहला कोड लिखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लटर का ऐप तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम फ्लटर के अंदर अपना कस्टम कोड लिखने वाले हैं और उस ऐप को रन करना सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस ऐप को बिल्ड किया था। यहाँ पर माई फर्स्ट ऐप, तो इसके अंदर कुछ फाइल्स थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। हम अपना सारा का सारा कोड लिप फोल्डर यहाँ पर लिखने वाले हैं, जहाँ पर मेन डॉट डाट है, अपना कोड इसमें लिखने वाले हैं। यस, तो एक बार ऐसे करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो कोड लिखा हुआ है एक बार इसको रन कर चेक करते हैं। तो इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक कर यहाँ पर मैं पावर शेल ओपन करूँगा यहाँ पर। यस, तो इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ फ्लटर रन। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे किसके अंदर रन करना है, विंडोज में, क्रोम में या फिर एज में। तो मुझे इसको क्रोम में रन करना है। यहाँ पर मैं टू सिलेक्ट करूंगा। यस, तो भी ये रन हो चुका है। तो यहाँ पर इसने क्रोम की एक नई विंडो ओपन कर दी है। यस, तो यहाँ पर ये भी रन हो रहा है। यस, तो अभी ओपन हो चुका है। यस, तो इसके अंदर यू हैव पुश दिस बटन दिस मेनी टाइम्स। तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस का बटन है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ यस तो ये बढ़ जाता है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देता है इसको। यस, तो चलिए इस हम बाय डिफॉल्ट कोड को यहाँ से हटाकर अपना कस्टम कोड लिखते हैं। यस, तो यहाँ पर मैं मेन डॉट का डॉट का मेरे पास सारा का सारा कोड हटाया। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, बस ये वाला कोड रहने देता हूँ, ये जो इम्पोर्ट किया हुआ ना इसने मटीरियल डॉट डॉट, यस वो रहने देते हैं इसके अंदर। यस, तो इसके अंदर जो इम्पोर्ट है यहाँ पर, मतलब फ्लटर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मटीरियल है यहाँ पर, क्यूपरटिनो भी है। यस, तो हमें एक बार मटीरियल में काम करना है, इसलिए मैंने एक बार इसको इम्पोर्ट किया हुआ है। तो अपने कोड को लिखना स्टार्ट कैसे करते हैं, हम एक वर्ड बनाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है मेन। ये तो ज़्यादातर लैंग्वेजेस में यही होता है, यहाँ पर वर्ड मेन। तो वर्ड मेन के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं यहाँ पर रन ऐप। यस, तो जितना फ्लटर का ऐप रन करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। यस, तो रन ऐप के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर मटीरियल ऐप। यस, तो ये यहाँ पर आ चुका है। यस, तो आपको ये लिखना है मटीरियल ऐप। वैसे मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ पर अपने एक्सटेंशन भी कुछ इंस्टॉल करनी है। मैं आपको एक बार वो एक्सटेंशन दिखा देता हूँ। एक बार, एक तो है यहाँ पर फ्लटर और एक है डार्ट। यस, एक है यहाँ पर डार्ट और एक है फ्लटर। अब वी एस कोड की आप इस वाले बटन पर क्लिक कर अब इसे सर्च करते हैं, एक तो फ्लटर होना चाहिए और एक डार्ट होना चाहिए। यस, उससे आप इसके स्निपेट्स को भी एक्सेस कर पाएंगे और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं इसमें। यस, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इसके एक्सटेंशन को। यस, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे मटीरियल ऐप के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज एक बार के लेते हैं। एक तो होने वाला है इसका टाइटल, तो मेरे पेज का टाइटल क्या होने वाला है मेरे ऐप का, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर माय फर्स्ट ऐप। यस, और एक और चीज़ होने वाली है इसके अंदर, इसका जो होम होने वाला है उसका हम नाम रखते हैं यहाँ पर होम। यस, तो अभी के लिए मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, पहले मैं उसको डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक विजेट बनाने वाला हूँ। तो विजेट क्या होता है, तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट किया होगा, आपको पता होगा एलिमेंट्स के बारे में। मतलब कोई भी आप कोई आइकन देखते हैं, कोई भी टेक्स्ट देखते हैं, कोई कंटेनर या कुछ भी, वो एक एलिमेंट होता है। तो इसके तो फ्लटर के अंदर हम उसको विजेट बोलते हैं। तो कोई भी विजेट या तो वो स्टेटफुल होती है या फिर स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगी। और स्टेटफुल का मतलब क्या होता है, वो अपना जब चाहे उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई टेक्स्ट है जिसको मुझे कोई लाइफ टाइम में चेंज नहीं करना है, तो उसको मैं स्टेटफुल स्टेटलेस विजेट बनाऊंगा। और अगर मान लीजिए मुझे, जैसे हमने वो टेक्स्ट देखा था जो मतलब बार बार इंक्रीमेंट हुए थे वो नंबर्स, वो एक स्टेटफुल विजेट थी वो। यस, तो चलिए अब आपको समझ आ गया होगा। अब स्टेटलेस विजेट के साथ काम करने वाले हैं एक बार के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा STL। यस, तो यहाँ पर अपने आप आ गया फ्लटर स्टेटलेस विजेट। तो उसका नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर होम। यहाँ पर रिटर्न करने को बोल रहा है रिटर्न कॉन्स्टेंट प्लेस होल्डर, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। और इसके अंदर मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे इसके अंदर रिटर्न करना है यहाँ पर स्केफोल्ड। यस, तो इसके अंदर हमको बाय डिफॉल्ट काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ऊपर जो नेविगेशन बार होता है जैसे हमको ऐप बार बोलते हैं, तो एक ऐप बार मिल जाएगा और भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर एक ऐप बार होने वाला है सबसे पहले ऐप बार। तो ऐप बार इसके अंदर क्या होने वाला है, ऐप बार की जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप होगी यहाँ पर ऐप बार। तो ऐप बार का टाइटल क्या होने वाला है यहाँ पर टाइटल, वो होने वाला है यहाँ पर वेलकम टू माय ऐप। यस, तो टाइटल अभी ये क्या कहते हैं यहाँ पर एक एरर कॉज कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसको एक विजेट में रैप करना है, हम टेक्स्ट ऐसे नहीं लिखते हैं। हम इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट विजेट का यूज करने वाले हैं टेक्स्ट।
उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा। यस, तो भी कोई एरर नहीं देगा हमको। यस, तो चलिए एक बार इसको रन कैसे करते हैं हम, तो मैं एक बार आपको इसको रन करना सिखाता हूँ। यस, तो जब मैं इसको पहले सेव करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ टू होल्ड रीस्टार्ट चेंजिंग वाइल रनिंग प्रेस आर या फिर स्मॉल या कैपिटल आर प्रेस करना है, तो जब मैं आर की को प्रेस करूँगा, यस, तो यहाँ पर होल्ड रीस्टार्ट ही कर देगा। यस, तो अब यहाँ पर ही रीस्टार्ट हो चुका है, तो चलिए इसे चेक करते हैं अपने ऐप को। यस, तो अब यहाँ पर आ रहा है वेलकम टू माई ऐप। यस, तो यहाँ पर इसने एक बना दिया है यहाँ पर। अब उसके नीचे मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर, तो उसके लिए बॉडी के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो उसके अंदर जैसे टाइटल था, अब एक होने वाला है यहाँ पर बॉडी। यस, तो ऐप बार के नीचे मैं एक टाइटल बनाने वाला हूँ, जैसे इसके अंदर बॉडी बनाने वाला हूँ। यस, तो बॉडी, तो बॉडी होने वाला है इसकी कंटेनर। तो कंटेनर बेसिकली मतलब, तो कंटेनर बेसिकली एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर हम बाकी एलिमेंट्स को रैप करते हैं। यस, मतलब बाकी विजेट्स को रैप करते हैं। यस, तो कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कंटेनर का जो चाइल्ड है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो जो कंटेनर का चाइल्ड है यहाँ पर, वो होने वाला है यहाँ पर टेक्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट ऐप। तो अभी ठीक लग रहा है, तो सर ये इसे चेक करते हैं अब। यस, तो अभी होट रिस्टार्ट कर देगा अभी। यस, तो अभी इसने होट रिस्टार्ट कर दिया यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर आया दिस इज माई फर्स्ट ऐप। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने पहला ऐप बिल्ड कर लिया। तो चलिए एक बार एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। यस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटेरियल को इम्पोर्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मेन वर्ड बनाया इसके अंदर, जिसके अंदर एक फंक्शन था यहाँ पर मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप का टाइटल था माई फर्स्ट ऐप। तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर यहाँ पर भी एक टाइटल था और यहाँ पर भी एक टाइटल था। तो ये वाला टाइटल क्या करता है, जैसे टाइटल है माई फर्स्ट ऐप, ये शो करेगा यहाँ पर ऊपर। यस, और जो मैंने ऐप बार में टाइटल लिखा था, वो ये यहाँ पर शो करेगा। और ये हमने एक स्टेटलेस विजेट बनाई थी, ताकि क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार के लिए चेंज नहीं करना था। यस, तो चलिए हम बाकी को बाकी तो चलिए हम बाकी विजेट्स को अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।